शाहीन वन से पैगाम, ऑपरेशन कंप्लीट, हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, लैंडिंग की इजाजत दी जाती है। मैं लैंड कर रहा हूं। शाहीन लैंड हो रहा है। या इलाही, ये क्या हो गया? कंट्रोल रूम, शाहीन वन को हिट किया गया है। शाहीन वन कंट्रोल से बाहर हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कंट्रोल करूं। जोरदार धमाका, बहुत बड़ा धमाका, ये क्या हो गया है? ओ नहीं, दुश्मन ने अपनी पैदाइश से ही तारीख में खून आलूद तरीन जंगों का बाजार गर्म कर रखा है और साथ ही दहशतगर्दों को भी खतरनाक हथियारों से मुसल्लाह किया है, जिसके सबब इराक और शाम में 15 लाख बेगुनाह इंसानों का खून बह चुका है। और ये लोग आज फिर दुनिया के अमनो अमान के नाम पर तबाही फैलाने की फिक्र में है और अपनी इस घनौनी सोच को जिंदा रखने के लिए ईरान को हमले की धमकियां दे रहे हैं, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ईरान को एटॉमिक एनर्जी के पुरअम और सुलह पसंद इस्तेमाल पर धमकाया जा रहा है, जबकि उन्होंने खुद सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी के बेगुनाह लोगों पर एटम बम गिराया। और जब अचानक एक मिसाइल हमारे एटमी बिजली घर के करीब पहुंचा तो यूं जंग का आगाज हो गया। जिसका हमें इंतजार था आखिरकार आ ही गया।
क्या अभी तक बहरी जंगी जहाज नंबर 3 आमादा नहीं हुआ? जनाब सब कुछ आमादा है और 5वें बहरी जहाज ने ओवरबिट 5 में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है। 4था और 12वां बहरी जहाज 25 डिग्री ओवरबिट में सख्त तरीन जंग कर रहे हैं। 5 गार्ड शिप्स और 1 बहरी बेड़ा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद आज जोहर के वक्त तक भी वो जंग जारी नहीं रख सकेंगे। ये जो कुछ तुमने बताया अच्छी खबरें हैं, लेकिन ये बताओ अल्विन, बहरी शिप की कोई खबर है या नहीं? अफसोस के साथ अभी तक हमारी इंटेलिजेंस टीम अल्विन शिप की सही पोजीशन मालूम नहीं कर पाई। नाउमीद ना हो और अपनी कोशिशें जारी रखें। चाहे ड्रोन तैयार इस्तेमाल करो या कोई और तरीका, जो भी जरूरी हो। क्या हाल है? क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन थके हुए लग रहे हो। अफसोस ये है कि कल से हमारा अल्विन बहरी जहाज से राब्ता मुनक़ता है और अभी तक उनकी कोई खबर भी नहीं मिली है। हमारे कुछ बेहतरीन दोस्त भी उसमें मौजूद हैं। हाँ, उम्मीद है कि वो सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। तुम्हारे ख्याल में दुश्मन क्या करना चाहता है? क्या मतलब? ये तो बहुत वाज़े है। दुश्मन जिस जंगी साजो सामान के साथ यहाँ आया है सिर्फ एक हदफ रखता है कि एक ही दफा में हमारा काम तमाम कर दे और हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाए, और यही उसका असली हदफ है। ये तो उनकी आरजू है। हाँ, और इसी आरजू को वो कब्र में लेके जाएंगे। हम खलीजे फारस को उनका कब्रस्तान बना देंगे। लेफ्टिनेंट महमूदी सर, आपके लिए टेलीफोन आया है। अच्छा, हाँ अभी आता हूँ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम अस्सलाम मेरी अजीज मरियम, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आप बताएं वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब अमनो अमान है। तुम बताओ वहाँ क्या हो रहा है? पूछो तो जाने, हमारा बेटा फुटबॉल के मुकाबलों में फर्स्ट आया है। जबरदस्त, मुझे तुम लोग बहुत याद आ रहे हो। हाँ, मुझे
तुम लोगों से एक बार माजरत करनी होगी, क्योंकि 3 दिन बाद ईद है और इस बार भी मैं ईद तुम लोगों के साथ नहीं मना सकूंगा। ख्वाहिश तो यही थी कि आप हमारे पास होते, लेकिन मुझे एहसास है कि वो काम ज्यादा जरूरी है और सबसे अहम बात ये कि फतह और नुसरत हासिल हो और खैरियत से वापसी भी। मैं रोजाना सबके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। 2 हफ्ते हो गए कि आपको नहीं देखा, थोड़ी देर उससे भी बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटी, तबीयत कैसी है तुम्हारी? और बेटा बताओ क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप कब वापस आएंगे? आपको तो ईद पर हमारे पास होना था। देखो मेरी बेटी, मेरा यहाँ पर रुकना बहुत जरूरी है और मेरी जान तुम अपनी मामा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं वादा करता हूँ काम खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जरूरी ऐलान, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। अच्छा बेटा मुझे जाना होगा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऑल कंट्रोल रूम्स रेड अलर्ट हो जाए, ये कोई जंग की मशक नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई जंग की मशक नहीं है। कंट्रोल हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो। फायर पॉइंट की शिनाख्त नहीं हो पाई, ब्लाइंड स्पॉट है। ज्यादा टाइम नहीं है, मजबूरन ऑटोमेटिक मिसाइल डिफेंस इस्तेमाल करना होगा। मिसाइल डिफेंस एक्टिव होने में 20 सेकंड लगेंगे। अच्छा ठीक है, हेवी गोलाबारी के लिए मशीन गनों को मुंह तक लोड कर दो। रॉजर सर। रिपोर्ट जल्दी लाओ। कुछ नामालूम ऑब्जेक्ट 10 नॉट और 10 डिग्री मदार से हमारी जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अब क्या करें? लगता है मछलियों के शिकार का अच्छा दिन है। यकीनन ऐसे ही है। बीस सेकंड में मिसाइल शील्ड एक्टिव हो जाएगी, टारगेट को निशाना बनाओ। मिसाइल शील्ड एक्टिव हो गई है। मिसाइल 12वीं रैंक सर्कल में आ गए हैं। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हैं। फायर। दो टारगेट उड़ा दिए हैं, अब तीसरे की बारी है। जनाब सैयद, शिकारी 2 भी आमादा हो गया है। अभी तक 1200 गोले फायर हुए हैं, 2 मजीद टारगेट्स की तबाही कंफर्म है। शिकारी नंबर 1 ने 2200 गोले फायर किए हैं। जनाब शिकारी 2 के गोले खत्म हो गए हैं, वो तीसरी मैगजीन पर चला गया है। चार टारगेट शिकारी 2 के जाल में फंस गए हैं। शिकारी नंबर 2 2 डिग्री की रेंज में लड़ रहा है, 2 टारगेट तबाह हो गए हैं। शिकारी 1 टारगेट से लड़ रहा है, 1 और टारगेट तबाह हो गया। तमाम टारगेट्स तबाह कर दिए गए, ऑल क्लियर सर। टारगेट्स की पोजीशन को डिफाइन करें। टारगेट की कंपाउंड पोजीशन 21 डिग्री जनूब और 19 डिग्री मशरिक में है। इससे भी ज्यादा एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करें। जनाब वो लोग अभी ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद हैं। तो ठीक है, अब सांप को इसके बिल से बाहर निकाल कर मारेंगे। जवानों 1 मिसाइल बगैर किसी टारगेट के उस इलाके पर फायर करो। 1 2 3 फायर।
मिसाइल फायर हो गया है जनाब। अभी तक कुछ नजर नहीं आया। फायर को 10 सेकंड हो गए हैं मगर अभी तक कुछ जाहिर नहीं हुआ। पच्चीस सेकंड हो गए हैं जनाब, अभी तक कोई न्यूज नहीं। दुश्मन के सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। उसको हिट कर दिया। बहुत अच्छा, अपने प्रोग्राम पर अमल। टारगेट की ट्रैकिंग को शुरू कर रहे हैं। दुश्मन की पोजीशन 15 डिग्री जनूब और 11 डिग्री मगरिब में है जनाब। तीन क्रूज मिसाइल फायर करें। 1, 2, 3 फायर। जनाब मिसाइल हैक हो गए हैं, इस दफा सिग्नल ज्यादा थे। जनाब हमारा 1, 2 और 3 से रास्ता कट गया है। कुछ नई मूवमेंट्स दिखाई दे रही है, यह खतरनाक है। जनाब उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, इस वक्त 5 मिसाइल हवा में है। तोप के गोले खत्म हो रहे हैं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। कुछ गोले सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। हम एक मुश्तरका हमला करेंगे, 6 मिसाइल और फायर करें। टारगेट से 15 सेकंड फासले पर। टारगेट से फासला 8 सेकंड। एक
एक हाथ से निकल गया है। या अल्लाह, ये तो सब निकलते जा रहे हैं। जनाब, यहां पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जनाब, आप एक नजर यहां भी देखें। हमें एक बहरी काफले का सामना है। बड़े हमले के लिए तैयार हो जाएं। जनाब, वो दोबारा गोलाबारी कर रहे हैं। इस दफा बहुत बड़ी तादाद में। एम्यूनेशन लोड हो गया है। सिस्टम्स काफी गर्म हो। परेशान ना हो, ये मशीनें ऐसे ही वक्त के लिए बनाई गई हैं। एक बड़े और मुश्तरका हमले का सामना है जनाब। वो लोग ब्लाइंड स्पॉट से दाखिल हो रहे हैं। हमारा एमिनेशन खत्म हो रहा है। बहुत नजदीक आ गए हैं। शिकारी का एमिनेशन खत्म। एमिनेशन खत्म हो गया। ओह नहीं, टकराव के लिए तैयार हो जाओ। जनाब, पानी छठे हिस्से में दाखिल हो गया है। जनाब, हमारा घेराव हो गया है। जनाब, अल्विन डूब रहा है। जनाब, दुश्मन की फायरिंग ने अपना रुख तब्दील कर लिया है। जनरल,
वो लोग आपसे इस फ्रीक्वेंसी 12.6.2 पर बात करना चाहते थे। क्या बात, यह आवाज विलायत बहरी जहाज से बैपास दारा जमहूरी इस्लामी ईरान की नेवी के चौथे बहरी काफिले से कौन बात करेगा? यह आवाज 13वीं अमरीकी बहरी काफिले से है। हमारी अफवाज तुम्हारी सरजमीन की तरफ तेजी से बढ़ रही है। हम तुम्हारे सरेंडर होने के लिए तुम्हारी शराइत सुनने को तैयार हैं। बहुत ही अच्छा लतीफा था। मेरे ख्याल में तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। जिन्होंने सरेंडर करना है वो तुम हो ना कि हम। मैं अमेरिका के 13वीं बहरी जहाज का कमांडर होने की हैसियत से तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त 15 अमेरिकी बहरी जहाजों ने तुम्हारा निशाना लिया हुआ है और ऑर्डर के मुंतजिर है। हम तुम्हें चूंटी की मानंद अपने पांव तले रोंदते हुए तुम्हारी सरजमीन पर कब्जा कर लेंगे। अभी मोहलत हाथ में है कि मौत या सरेंडर में से किसी एक का इंतखाब कर लो। जनरल, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं इंकलाबी हूँ। अपनी बात बहुत वाजे और सच कहता हूँ। हर वो मुसल्ला शख्स जो जहाज से जमीन पर उतरा या हर वो फौजी जो बहरी जहाज के साथ खलीज फारस में दाखिल हुआ, अपने आने से पहले अपना ताबूत तैयार करके रखे। ये वही जगह है जहाँ से हम आसमान की तरफ मेराज करेंगे और तुम अमरीकन्स हर हाल में कब्रों के अंधेरों में जाओगे। हम वही लोग हैं जिन्होंने 2,00,000 लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम से मौत की नींद सुला दिया था। अगर मुकाबला करोगे तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि तुम और तुम्हारे हमवतनों के साथ भी हम यही कुछ करेंगे। इसलिए सरेंडर या मौत में से किसी एक का इंतखाब कर लो, क्योंकि हमेशा कमजोर को ताकतवर के हाथों नाबूद ही होना पड़ता है और जंग में ऐसा ही होता है। तुमने इस खत्ते में जितनी फितना अंगेजी और जंगी शुरू कर रखी है और बेगुनाह इंसानों के खून से खेल रहे हो, ये सब खासिब सहूनी इसराइल की खातिर है। लिहाजा इस कैंसर के आलूदा बदबूदार टुकड़े को सफ़े हस्ती से खत्म करना होगा और ये काम हमारी जिम्मेदारी है और इसी काम के लिए इस खत्ते में मौजूद। तुम हमें कैसे धमकी दे सकते हो जबकि हजारों एटमी मिसाइलों ने तुमको निशाना बनाया हुआ है? शायद तुम्हें हमारी एटमी ताकत का अंदाजा नहीं। जनरल, अल्लाह पर हमारे ईमान की ताकत तुम्हारे एटम बमों से बेइंतहा ज्यादा है। कान खोलकर गौर से सुन लो, ये ईरान है तुम्हारे लिए जैसे दुनिया का आखिर। अगर 20 डिग्री इस तरफ मजीद आए तो तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। तुम ईरानी इंकलाबी मुज़ाकरात के काबिल नहीं हो। हकीकी मुज़ाकरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा दिए हैं। जिल्लत की जिंदगी से बेइज्जत की मौत बेहतर है। जनरल, जरा जजीरे की उस तरफ देखो। वो लोग 5 मिनट में 15 डिग्री ओवरबिट को क्रॉस कर लेंगे और ब्लाइंड स्पॉट से खारिज हो जाएंगे, यानी उस वक्त 20 गुना ज्यादा तादाद में मिसाइल फायर करके उस बहरी जहाज को समंदर की तह में पहुंचा देंगे और ये काम करके रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ अपना हिस्सा लेने आए हैं और हम यहाँ अपना और उन करोड़ों इंसानों की जिनकी आंखें हम पर लगी हैं का हक लेने के लिए आमादा खड़े हैं। हमारी जंग ईमान और कुफ्र के दरमियान है और वो जो हमें कामयाबी दिलाएगा वो हमारे ईमान का असला है। दुश्मन की आखिरी सफों पर निगाह डालो, अपनी मुठ्ठियां मजबूती से बना लो और अपने दांतों को सख्ती से भेज लो, क्योंकि तुम्हें अपनी पूरी कुव्वत और इस्तेकामत के साथ इस आजमाइश में उतरना है। इंशाल्लाह कामयाबी नजदीक है। मैं कमांड इन कंट्रोल रूम जा रहा हूं। फौरन रिपोर्ट। जनाब, सब इंतजाम रेडी है।
जनाब रिडार इलाके को स्कैन कर रहा है। मेरे ख्याल में वो ऊपर एक चीज है जो हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मन को दे रही है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो ड्रोन X-47 ही है। जनाब टारगेट हमारे निशाने पर है। बहुत अच्छे, काम तमाम कर दो। रोजर। प्लान नंबर एक को शुरू करते हैं। बैकअप इंजन स्टार्ट हो गया है। जनाब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। परवास करो। मेन इंजन स्टार्ट हो गया है। स्पीड को एक नैक तक बढ़ा दो। परवास को 300 फीट पर सेट करो। ठीक है, जितना शो ऑफ कर रहे थे उतने ताकतवर नहीं है। इलाके की इमेज लेना शुरू करो। कैमरे को दूसरे टारगेट पर ले जाओ। एक मिनट यहीं रुके रहो। ठीक है, तुम मिसाइल फायर करो। फायर।
जनाब कुछ मिसाइल्स हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारी असल मुश्किल यहीं पर है। लेकिन अब तक हमने जितने भी हमले किए हैं वो उनकी डिफेंस शील्ड ने रोके हैं। ठीक है, मेरी अपनी जंगी स्ट्रेटजी है। उनकी डिफेंस शील्ड की कामयाबी डिफेंस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में है जो 20 सेकंड के दरमियान ऑटोमेटिक अमल करती है। अगर हम शुरू में मौजूद बहरी जहाजों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डालें तो फिर हम एक बहुत भरपूर बैलिस्टिक हमले के जरिए उन सबको नाबूद कर सकते हैं। हमारे पास ये आखिरी रास्ता है कि स्नाइपर नजदीक से उन चीजों का निशाना ले, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि हमारे पास ये पहला और आखिरी मौका होगा। अब मैं मुतमईन रहूं कि तुम ये काम बखूबी अंजाम दे लोगे। जनाब आप उस मुश्किल के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ऐसे निशानेबाजों को भेजेंगे जिनका निशाना कभी खता होता ही नहीं। जब निशाना बाजों का काम खत्म हो जाए तो फिर तेहरानी मुकदम के मिसाइल बाकी का काम तमाम कर देंगे। जनाब हेलीकॉप्टर्स ने स्नाइपर्स को पहुंचा दिया है। ठीक है, ऑपरेशन शुरू करें। एहतियात के साथ 12वें पॉइंट की तरफ बढ़े। स्नाइपर हाइडिंग पोजीशन में 12 नंबर पॉइंट से 4 मिनट के फासले पर। इलाके की इमेज लेना शुरू करें। मुकम्मल हो गया। पहला स्नाइपर टारगेट लेना शुरू कर रहा है। टारगेट कंफर्म हो गया है। हवा की रफ्तार 50-150 डिग्री मगरिब में। लेजर गाइड टारगेट शुरू। टारगेट रेंज में है। धमाका खेज गोले लोड हो रहे हैं। फायर कर। यस सर। दोबारा फायर करेंगे। टारगेट तबाह हो गया। बहुत खूब, ये पहले से अच्छा था।
सिस्टम नंबर 2 हैक हो गया है। टारगेट्स की तबाही कंफर्म हो गई है, अब दूसरे टारगेट की तरफ चलें। जनाब तीसरा टारगेट लेजर के जरिए तबाह हो गया। दो ब्लैक हार्क मशरिक से निशानेबाजों की तरफ बढ़ रहे हैं। जनाब मेहमान आ रहे हैं। वो अपने फौजी उतार रहे हैं, क्या हुक्म है? फौरन हाइड पोजीशन में चले जाएं। रोजर जनाब, हाइड पोजीशन में। स्नाइपर्स 5 नंबर पॉइंट पर पहुंच गए हैं। पर एक हमले के लिए आमदाबाश हालत में। जनाब दुश्मन हमारे लिए भारी असला इस्तेमाल कर रहा है। अभी इनको बताते हैं कि ईरानी इनकलाबी हमेशा मुस्कुरा के नहीं मिलते। टारगेट्स पॉइंट आउट हो गए हैं। अप्रूवल कंफर्म।
इलाका पुरअमन हो गया है। जनाब इलाका मुकम्मल तौर पर क्लीन हो गया है। ठीक है, आखिरी क्लीनअप की तरफ बढ़ते हैं। फायर के लिए तैयार। मेरा नहीं ख्याल कि ये टारगेट हाफ ऑटोमेटिक गोलाबारी से तबाह हो पाएगा। खाने में अभी हमारे पास कितने लेजर्स राउंड हैं? 4 अदद जनाब। ठीक है, अभी इसी वक्त एक को इस शैतानी हेलीकॉप्टर पर फायर करो। लेकिन जनाब हमारे पास लेजर गोले काफी कम हैं। जिस काम के लिए चाहिए हैं उस लिहाज से ज्यादा हैं। जो हुक्म जनाब, शुरू करें। ठीक है, टारगेट के लिए तैयार हो जाएं। स्नाइपर्स को आमादाबाश कर दो। जी जनाब। फुल ऑटोमेटिक टारगेटिंग मुकम्मल हुई। जनाब सारे मिसाइल रोबोट्स ने नाबूद कर दिए। क्या रोबोट्स ने नाबूद किए? जी जनाब, यह खबर कन्फर्म है। तो खाना फौजी फौरन अपनी रिपोर्ट दें। अगले 10 सेकंड में रेडी टू फायर सर। लेजर्स टारगेटिंग शुरू करो। ऑर्डर्स मिल गए हैं। 50 डिग्री जनूब और 50 डिग्री मगरिब में 10 सेकंड के फासले पर। टारगेट लॉक कंफर्म। रहम की जरूरत नहीं, फायर करो। जनाब एक रोबोट हाथ से निकल गया है। फिक्र नहीं करो, मेरे ख्याल में आप भी काफी मौजूद होंगे। जनाब नए ऑर्डर्स की रिसीविंग कंफर्म। फायर करो। सारे हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए। रॉबर्ट नंबर 1 के पास फायर एमिनेशन खत्म हो गया है।
ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए क्या चीज लाजमी है? अहकामात मिल गए, कंफर्म। काम तमाम कर दो। यस सर। तमाम थ्रेड्स नाकाम बना दिए हैं जनाब। जनाब, तमाम लोग आपके ऑर्डर्स के मुंतजिर हैं। अब प्लान का नक्शा कुछ यूं होगा। हमने फ्रंट लाइन बहरी जहाजों को नाकारा कर दिया है। अब एक सरप्राइज हमला बाकिया बहरी जहाजों पर किया जाएगा ताकि काम तमाम हो जाए। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है जनाब, एडमिरल वार हेड भी उनके पास है। ठीक है, हमें पहले दुश्मन के डिफेंड लाइन जहाजों को निशाना बनाना होगा, फिर सजील मिसाइल फायर किए जाएंगे। उस वक्त हमारे मिसाइल 4 मिनट बाद यानी ठीक 12 बजे मिसाइलों की बारिश की शक्ल में 24 किलोमीटर दूर बारूदी शहर को रात में बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि एक ही दफा में दुश्मन को नाबूद कर दूं। ईरान और दुनिया के सितम दीदा लोगों की खातिर जिन्होंने दुश्मनों के मजालिम सहे हैं, अमरीकी हुकूमत अभी तक इस दुनिया में अल्लाह के वजूद को महसूस नहीं कर सकी और बेशुमार लोगों की जान ले चुके हैं। जबकि अल्लाह अपने नूर से एक नया रोशन आगाज जरूर करेगा। अब अगर काफरों को बुरा लगता है तो लगे, मैंने अपनी सरजमीन के परचम की इज्जत की अहमियत समझा कर रहूंगा। जनाब, रिपोर्ट यूनिट ने इन्फॉर्म किया है कि एमिनेशन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो फिर चेक करो कि एंटी शिप मिसाइल गोले इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं। डिफेंस यूनिट इन्फॉर्म करें कि एंटी शिप मिसाइल के गोले क्या रिपोर्ट्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। ओवर। दुश्मन की मूवमेंट की पूरी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके दें। जी सर। जनाब, 20 मिनट के अंदर अंदर दुश्मन के साथ 20 डिग्री ओवरबिट में टकराव हो जाएगा। लेफ्टिनेंट, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। रिपोर्ट्स कंट्रोल रूम के कमांडर से राब्ता करो, 3 मिनट के अंदर मुझसे मिले। मिसाइल कंट्रोल रूम से कहो कि ये इलाका अगले 10 मिनट में तबाही का मुंतजर है, आमादा बाश हो जाए। जी सर।
बिलाखिर मौत का वक्त आ गया। जनाब, चंद लम्हों बाद मिसाइल रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही रेडी हो जाएं इत्तला करो। टारगेट तक फासला 8 सेकंड है। जनाब, दुश्मन के 3 गार्ड शिप्स तबाह कर दिए गए। मिसाइल कंट्रोल रूम को बोले कि ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा शुरू करें। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेशन स्टार्ट के लिए तैयार हो जाएं। या फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। या फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तैयारी कर रहे हैं। परेशान ना होना, इंशाल्लाह हम फतेहयाब होंगे। वो कुछ ही लम्हों में हमला शुरू करेंगे। ये खामोशी तूफान की अलामत है। शुरू हो गया। जिसके परवरदिगार ने उसकी खलकत से पहले
आजमाइश में डाला और कामयाब पाया। ऐ मिन्ते रसूलल्लाह, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी सैयदा, आपसे इस नाजुक मौके पर चाहूंगा उसे दुश्मनों के नरमे में मदद की इल्तिजा करता हूं। हमारी मदद करो या फातिमा साहबा, तुम अपनी पूरी दुनिया के साथ हमारे मुकाबले में जंग के लिए आ जाओ, हम अपने मुकम्मल ईमान के साथ तुम्हारे सामने इस्तकामत से मुकाबला करेंगे। मेरे इशारे का इंतजार करो। कितना वक्त है जनाब? 8 सेकंड रह गए। जनाब ज्यादा वक्त नहीं है। जनाब मेरी आवाज पर फौरन मिसाइल लगने वाला है, तैयार हो जाओ। फायर। जनाब रोबोट्स का एमिनेशन खत्म हो रहा है। ग्राउंड कंट्रोल रूम से विलायत तहरी जहाज को मिसाइलों ने 20 मैक की स्पीड से क्रॉस किया है। 5 मिनट के अंदर दुश्मन से टकराएंगे। रिपोर्ट है जनाब, 1 मिनट से भी कम में हमारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन के तीसरे हिस्से को शुरू करें। यस सर। हमारे सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं। हमारा एम्बुलेशन खत्म हो गया।
मिसाइलों से हमारा रास्ता कट गया है, शायद वो तबाह हो गए। कुछ और टारगेट्स तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। या अल्लाह खैर।
हम तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते और तुम्हें कभी नहीं भूलते, और अगर ऐसा ना होता तो तुम मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते और दुश्मन तुम पर गलबा पा जाते। अल्लाह का शुक्र है कमांडर, आप ठीक तो है ना? हमारा बहरी जहाज एकदम ठीक हालत में है, जैसे किसी ने हिफाजती हिसार में ले रखा हो। अमरीकियों को जिस चीज का खौफ था वही हो गया, लेकिन अफसोस वो फिर भी डर से इबरत नहीं लेते। जनाब, जहां तक मुझे मालूम है आखिरी वक्तों में मिसाइलों से हमारा रास्ता कट गया था, तो फिर अमरीकी बहरी जहाजों पर ये बलाएं कैसे नाजिल हुई? शाहीन वन से मिशन कंप्लीट हो गया है, हम बहरी जहाज पर वापस आ रहे हैं। कौन सा जहाज? वही जहाज जिसने अमरीकी बहरी बेड़ों को समंदर की तह में गहरी नींद सुला दिया, जबकि हम तो कुछ घंटों के लिए गायब हुए थे। फिर ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ 113 अमरीकी बहरी बेड़ों में मछलियों को रिहाइश दे दी है। अच्छा ये बताओ, बीकर कार्टरेस्ट इलाका कैसा है? खूबसूरत है, लेकिन लैंड करने की इजाजत तो दो भाई, हमारा लैंड करना जरूरी है।
और अगर लैंड करने की इजाजत ना दूं तो? कुछ नहीं, तो कमांडर की कंट्रोल रूम पर उतर जाएंगे। अच्छा, अगर कमांडर को तुम्हारे इरादों का मालूम हो जाए तो जानते हो ना क्या हशर होगा? आसमान कर देख लूं क्या? हाँ देख लो, अंजाम बुरा ही होगा। मैं उतर रहा हूं। अच्छा ठीक है, लैंडिंग की इजाजत देता हूँ तुम्हें। अरे मैं तो भूल ही गया, कमांडर को कुछ बताना था। ये लड़के बिना किसी को नहीं छोड़ते। ये एक तो बिल्कुल सही और सालिम है। दफा हमारे मिसाइलों ने सही टाइम पर टारगेट्स को हिट किया है। जिस ताकत ने इन्हें नाबूद किया वो हमारी मिसाइलों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये इलाही करिश्मा और गैबी इमदाद थी, ऐसी ताकत के जिसे वो किसी कीमत पर देखने को तैयार नहीं और उससे दुश्मनी करते हैं। वो लोग आखिरी वक्तों में हम पर एटम बम इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन हमारे मिसाइलों ने उन्हें मौका ही ना दिया। उनके मिसाइल इन्हीं के जहाज में फट गए थे, उनको उन्हीं की लगाई हुई आग में जला डाला और ये वही सब कुछ हुआ है जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है। अमरीकी हुकूमत कभी भी लब्बैक या हुसैन का मतलब नहीं समझ पाएगी। ऐसी मिल्लत जिसके पास आशूरा हो ना सिर्फ जुल्म को कबूल नहीं करती बल्कि हम दुनिया में जहां भी जुल्म होगा वहां मजलूम की मदद के लिए पहुंचेंगे। ऐ काश शहीद तेरानी मुकदम जिंदा होते और इस दिन को देखते जब इनके हाथ से बनी हुई चीज किसी तरह से है हाथ में न जिल्लत अगर रोशन मफहूम बयान कर रही है। और अभी तो जंग का आगाज हुआ है।